नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव रावत। आप देख रहे हैं सुखदेव रावत ऑफिशियल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुखदेव रावत ऑफिशियल में। अभी सुबह के 9:30 बज चुके हैं। सब लोग नाश्ता वास्ता करके खेतों को निकल लिए हैं। मेरा काम है आज का घर में कुछ काम वाम करना। सबसे पहले आज हम सफाई वफाई करने वाले। यहाँ पर झाड़ू नहीं था तो हम आज एक बबूल का झाड़ू बनाने वाले। पहाड़ में बबूल होती है घास, उसकी झाड़ू बनाई जाती है। तो आज हम आपके साथ उसकी बनाने की विधि जो होती है उसको शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो हो सकता है वो करिए आप। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ले लेते हैं ये बबूल की घास। ये रखी हुई थी अंदर, तो बहुत काली हो रखी है। ये देखिए, ये बबूल की घास है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, ये बहुत रफ सी हो रखी है, एकदम कड़कड़ी सी हो रखी है, मतलब बहुत सॉफ्ट नहीं है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसको हम सॉफ्ट करेंगे इसको, और उसके लिए हम इसको पहले पानी में डुबोएंगे। थोड़ा बहुत ही जब पानी सोख लेगा तो ये एकदम स्मूथ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो झाड़ू बनाने में आसानी होती है। तो इसको पहले पानी में भिगोते हैं। चलिए, तो ये ले लिया हमने घास, तो इसको थोड़ा हम पानी में भिगो के रखेंगे। पानी में भिगाएंगे और उसके बाद ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी और झाड़ू बनाने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इसको थोड़ा भिगाते हैं, इसको भिगा के थोड़ी देर के लिए ऐसे सोक करने के लिए रखे रहेंगे, और ये बाद में सॉफ्ट हो जाएगी। हमारे इधर ज़्यादातर इसी की झाड़ू बनाई जाती है, और ये झाड़ू एकदम टिकाऊ जैसी होती है, लगभग 1 साल तक चल जाती है आराम से। बाज़ार की महंगी महंगी झाड़ू से अच्छा ये बबूल की झाड़ू बहुत टिकाऊ होती है। और आज हम बताएंगे कि कैसे इसकी झाड़ू बनानी है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही सोक करने के लिए यहीं पर रखेंगे, और जब तक ये सॉफ्ट होती है तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। अब 5-10 मिनट हो चुके हैं और ये भीग गया होगा अच्छे से, और ये घास अभी सॉफ्ट हो चुकी होगी। इसकी जो रेसे हैं वो बहुत रफ रहती हैं, पहले उस पर हाथ कटने का डर रहता है। तो पानी में भिगाने के बाद ये बहुत सॉफ्ट हो चुकी होगी, तो अभी ये झाड़ू बनाने के लिए तैयार है। तो अब ये बहुत सॉफ्ट हो चुका है, अब इसको खोलेंगे। पहले इसकी पोनी टेल बनाई हुई है, इसको खोलेंगे। ये देखो, अभी ये बहुत सॉफ्ट हो गई है, कहीं भी मुड़ेगी तो टूटेगी नहीं। अभी जैसे पहले सूखा था ना, तो अगर हम उसको ऐसे ही करते तो ये टूटती और फिर वो अच्छे से नहीं बन पाता। तो अभी तो हमने इसको खोल दिया है, और इसको हम पूरे की नहीं बनाएंगे, इसके हम बनाएंगे छोटी छोटी रस्सियाँ इसको बांधने के लिए। और ये जो ये दो गठियाँ हैं इसकी बनाएंगे हम, इसका बनाएंगे हम झाड़ू, ठीक है। इसकी जो एक्स्ट्रा है इनको निकाल देंगे, ये बाद में परेशानी करेंगे। और पहले इसको बीच में से एक मजबूत धागे से बांध देंगे, फिर बनेगी। ये देखो, अच्छे से झाड़ेंगे उसके बीच से पहले बांध देंगे यहाँ से। तो अभी इसको बांध देंगे यहाँ से, मजबूती से इसको बांध देंगे, एक ही पल्ले से बहुत है। अच्छे से कस के बांधेंगे, बस। अब ऐसे करके इसको सेंटर से ऐसे पलटा देंगे नीचे की। इसको मोड़ के भी ऐसे कर सकते हैं, पर मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। कैसे भी करो आप, सही बन जाता है। अब इसको उल्टे से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बाद में आसानी से खुलेगा नहीं फिर, है ना। तो ये आसानी से खुलेगा नहीं। ये देखिए, अभी ये ऑलमोस्ट बन गया है। इसको अब यहाँ से इस पर 2-3 फंदे लगेंगे, फिर ये बन जाएगी एक परफेक्ट बबूल की झाड़ू, ठीक है। इसको रखते हैं अभी साइड, और
ये जो हमने रखा था अलग से, इससे हम रस्सियाँ बनाएंगे। ये दो हैं, इनको उल्टा करना है और ऐसे करना है। तो ये हमने इसके दो अलग अलग पार्ट कर लिए। मेरा हाथ भी कट गया, वैसे मैंने सॉफ्ट करने के लिए पानी रखा था फिर भी, बट इसको ऐसे करेंगे, दो हाथों में लेंगे और ऐसे रगड़ते हुए चेंज कर देंगे और इसकी अच्छी खासी रस्सी बन जाएगी। तो हमने ये पहले कर लिया था, अब हमने ये जैसे चार डोरियां बनाई है इसी घास की, ये देखिए चार डोरियां और एक मोटी वाली, इससे हम इसको खींचेंगे। अब बताते हैं कैसे खींचना है। सबसे पहले इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और इसको उल्टा करके एक दूसरे के अपोजिट रख के और बीच में से ऐसे डाल लेंगे, और इसको डालेंगे हम इसमें डालेंगे इसको। पर उससे पहले हम इसको ऐसे पकड़ के इसके दो हिस्से करेंगे, इस झाड़ू के ऐसे दो हिस्से करेंगे और इसके बीच से इसको डाल के ऐसे बंद कर देंगे। ठीक है, ये बन गया है ऐसे। अब हमने जो ये बनाया था ये बांधने के लिए, इसको हम इसमें डालेंगे और इसको इसके अंदर डालेंगे, है ना, ऐसे, और इसको टाइट बंद कर देंगे। ये देखो, ये देखो बिल्कुल टाइट हो गया। एक इस पे एक गांठ और बांध देंगे, इस पे एक गांठ और बांध देंगे, बिल्कुल टाइट। अब ये जो दो रस्सियां हैं, ये जो हमने इसके अंदर से ऊपर के लिए डाली थी, इसमें डालेंगे और इसको अंदर की तरफ खींच देंगे यहाँ से। अब देखो कैसे खींचना है, ये देखो टूट गया, कोई बात नहीं, हो मजबूत हो गया, ये अंदर आना चाहिए बस, और फिर एक इस तरफ से डालेंगे इसको, टाइट बांध दिया फिर, और एक गांठ बांध के फिर से वैसे ही इसको दूसरी तरफ खींच लेंगे। तो अब ये हो चुकी है रेडी, ये देखो अच्छी खासी झाड़ू रेडी हो चुकी है। अब इसको हमने बांध दिया और इसको काटेंगे अभी ऊपर से। पुराने लोग कहते थे कि इस पर जौ डाल के तब काटना है, पहले से ऐसे ही चलता आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों काटते हैं ऐसे। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ऐसा क्यों करते हैं। तो अब इसको काटते हैं और ये हो चुकी है रेडी। तो हमने ले लिया ये जौ और अब इसको इसमें डालेंगे, फिर काटेंगे इसको, जौ को डालेंगे अब इसमें और उसके बाद काटेंगे इसको। बस झाड़ू हो गई तैयार। ये देखिए झाड़ू हो गई बिल्कुल रेडी।
ये झाड़ू हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अगर आपको बनाना है तो वीडियो पूरा देखना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आपने भी कभी ऐसी झाड़ू बनाई है, देखी है गाँव में, तो ज़रूर कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।